हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो कल के न्यूज़पेपर में हमने एक टर्म देखा था, 5i इंटेलिजेंस अलायंस। तो देखते हैं क्या, हमने कल ही देखा था इसमें कौन कौन से कंट्रीज है। यूएसए के ऊपर कनाडा हमने देख लिया था, इधर में यूके देख लिया था, और इंडिया के नीचे में ऑस्ट्रेलिया देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया के बगल में न्यूजीलैंड देख लिया था। तो कनाडा, यूएसए, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, 1 2 3 4 5, ये सारे चीज़ें हमने कल ही देख लिए थे कि इसके कौन कौन से, मतलब इसके अलाइज, इसमें कौन कौन से कंट्रीज है। तो चलिए आज का आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। द रिसेंट एलिगेशंस बाय कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो लिंकिंग द किलिंग ऑफ खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निजर ऑन कैनेडा सॉइल टू इंडियन गवर्नमेंट हैव पुट द स्पॉटलाइट ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस 5i, विच इज बिलीव टू हैव प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन दैट हेल्प कैनेडा। हु आर 5i? देखिए, द 5i इज अ मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क ऑफ 5 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस। इट इज बोथ सर्विलियंस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल्स इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट शेयर बिटवीन द मेंबर कंट्रीज आर क्लासिफाइड सीक्रेट। ये आप कंट्रीज हो गए, तो ये लोग आपस में ही ये कंट्री में शेयर करते हैं। विच गेव अ ग्रुप एज अ टाइटल 5i, द अलायंस बिटवीन यूएस एंड द यूके इवॉल्व अराउंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू काउंटर द कोल्ड वॉर सोवियत थ्रेट्स। द टू कंट्रीज विच हैड सक्सेसफुली डिसाइफर्ड जर्मन एंड जापानीज कोड ड्यूरिंग द वॉर फॉर्ज द कोलेबोरेशन टू शेयर इंटेलिजेंस रिलेटेड टू सिग्नल सच एज रेडियो, सैटेलाइट एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन। इन 1946 द अलायंस वॉज फॉर्मलाइज थ्रू एन एग्रीमेंट एंड कॉपरेशन इन सिग्नल इंटेलिजेंस। द ट्रीटी कॉल्ड इट्स ब्रिटिश यूएस कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट और ब्रूसा, ऑल्सो नोन एज यूके यूएसए, BRUSA, ब्रिटेन यूएसए, यूके यूएसए, इस एग्रीमेंट को ये भी बोला जाता है। वॉज साइन बिटवीन द स्टेट आर्मी नेवी कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस बोर्ड ऑफ द यूएस एंड द लंडन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड इन ऑफ ब्रिटेन। इट स्कोप वॉज लिमिटेड टू कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मैटर ओनली रिलेटेड टू द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस प्रोडक्ट इन 6 एरियाज, अ कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ ट्राफिक, एक्विजिशन ऑफ कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट एंड इक्विपमेंट, ट्राफिक एनालिसिस, क्रिप्टो एनालिसिस, डिक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स एंड इक्विपमेंट्स। द अरेंजमेंट वॉज लेटर एक्सटेंडेड टू सेकेंड पार्टी कंट्रीज। कैनेडा ज्वाइन इन 1948, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बिकम पार्ट ऑफ अलायंस इन 1956। दो दी अलायंस इंटेलिजेंस अलायंस केम टूगेदर इन 1940s, it remained a top secret for long. The then Australian Prime Minister Gough Whitham did not know about the existence of BRUSA, that is Britain USA, regarded as one of the most secret agreement until 1973, according to the recent article in the journal Cold War Studies. ठीक है? In fact, the text of the agreement was first officially released in public over 60 years in. तो मतलब ये काफी पहले secret ही था। 2010 में तो इसका पहला ऑफिशियल रिलीज आया एग्रीमेंट कोई हमारे पास। व्हाट डज द नेटवर्क वर्क? इनिशियली द पार्टनर आर असाइंड रिस्पेक्टिव, ये SIGINT मैडनेस क्या है, मैंडेट्स क्या है, देखिए ये रहा, ये सर्वेलियंस बेस्ड, ठीक है, एंड ट्रैक सिग्नल्स इंटेलिजेंस। यहाँ पे सर्वेलियंस एंड इंटेलिजेंस सिग्नल्स हो गया आपका, सिग्नल इंटेलिजेंस हो गया। तो मैंडेट्स, द कैनेडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर राइट्स इन द मिलिट्री जर्नल 2020 द यूएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रशिया, नॉर्दर्न चाइना, मोस्ट ऑफ एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया कवर सडन, ऑस्ट्रेलिया देखिए सडन चाइना, इंडो चाइना एंड इट्स क्लोज नेबर सच एज इंडोनेशिया, यूके। तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया कवर कर रहा है। यूके इन चार्ज ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट एंड यूराल्स, सोवियत एंड न्यूजीलैंड, देखिए यूके अपना अफ्रीका और उधर वेस्ट एरिया सोवियत यूनियन कवर कर रहा है। न्यूजीलैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न पैसिफिक वाइल कैनेडा हर्डल्स अ पोलर रीजन ऑफ रशिया। और यूएसए के लिए देखिए नॉर्थ चाइना, रशिया और एशिया के और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज। द गोल पोस्ट ऑफ द 5i हाउएवर हैज शिफ्टेड फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू ग्लोबल चैलेंजेस लाइक टेररिज्म एंड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। तो जैसे ही आपका ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ, टेररिज्म और इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना की तरफ ये लोग का गोल शिफ्ट हो गया। द 5i हैव बिकम इन्वॉल्व इन ओशन एंड मेरीटाइम सर्वेलियंस, साइंटिफिक एंड डिफेंस इंटेलिजेंस एनालिसिस, मेडिकल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशल इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म एंड द कंटिन्यूस
तो इतने जगह पे आप देखिए ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वाया सीक्रेट कलेक्टिव डेटाबेस नोन एज स्टोन घोस्ट। ये आपका स्टोन घोस्ट इनका सीक्रेट डेटा है, जो डेटाबेस है कलेक्टिव डेटाबेस है। कंसर्न्स क्या क्या है देखिए, देर हैव बीन सेवरल कंसर्न्स रिगार्डिंग द प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड द मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑफ द इंटेलिजेंस अलायंस विच रिमेन श्राउंड इन द मिस्ट्री फॉर लॉन्ग। ठीक है, द अलायंस वॉज एम्ब्रॉयल्ड इन अ मेजर कॉन्ट्रोवर्सी इन 2013 फॉलोइंग द डिस्क्लोजर ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स बाय द एडवर्ड स्नोडन, अ फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर स्नोडन डिस्क्राइब द नेटवर्क एज अ सुपरा नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट डजंट आंसर टू द लॉ ऑफ इट्स ओन कंट्रीज। तो इन्होंने साफ इसको यही बोला, ये अपने कंट्री के लॉ को भी आंसर नहीं करता है, तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेसी थ्रेट है दूसरों के लिए। अब हम लोग देखते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गया। सबसे पहले इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आप देखिए, कनाडा, उसके नीचे US, उसके बगल में आप ईस्ट में देखिए UK, फिर इंडिया के नीचे में आप ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बगल में आप न्यूजीलैंड देखिए। तो ये 2, 2, 1, 5, तो ये 5 कंट्रीज इसमें आती हैं। अब आप देखिए 5, 5, तो ये हो गया इतने हैं। इनका सिगिंट देखिए, सर्विलियंस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल्स इंटेलिजेंस, ठीक है, इसका जो सीक्रेट रिपोर्ट है ये इन्हीं लोग के लिए होता है, 5, 5 के लिए ही होता है। ये पहले बना था 1946 में, सेकंड इसमें दो लोगों के बीच था, बी ब्रूसा और UK USA, मतलब ब्रिटेन और USA, बस इन्हीं लोगों, ये ही दो थे 1946 में, मतलब इन दोनों के बीच में हुआ था। 1948 में आप देखिए कनाडा ज्वाइन कर लिया, तो ये इतना पार्ट आ गया। और 1956 में आप देखिए, 1956 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लिए इसको। तो पहले तो ये कोल्ड वॉर स्टडीज़ के लिए था, और 60 ईयर्स तक, तो 2010 तक इसका कोई रिपोर्ट हम लोग के पास नहीं था। सीक्रेट एग्रीमेंट था ये, मोस्ट सीक्रेट एग्रीमेंट अंटिल 1973। काम कैसे करता है आप देखिए, US रिस्पॉन्सिबल है नॉर्दर्न चाइना के लिए, इधर लैटिन अमेरिका के लिए और मोस्ट ऑफ एशिया के लिए, और मतलब ये लोग इस जगह पे नज़र रखेंगे एशिया चाइना, ठीक है। अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया किसके लिए, इंडो चाइना, सदर्न चाइना, तो यहाँ पर नॉर्थ चाइना देखिए USA है, कनाडा हो गया सदर्न चाइना के लिए। तो आप देखिए इनका ये पूरा एरिया डिवाइडेड है। अब आप जैसे देखिए UK मतलब ब्रिटेन किसके लिए हो गया, अफ्रीका, उसके नीचे के लिए हो गया अफ्रीका के लिए, वेस्ट ऑफ यूराल्स, यूराल्स ये रहा, उसके बाद यहाँ पे रशिया स्टार्ट होता है, वेस्ट ऑफ यूराल्स मतलब ये हो गया, मतलब ये पूरे यूरोप के लिए, वेस्ट ऑफ यूराल्स मतलब यूरोप के लिए विद इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन, ठीक है। और आप देखिए न्यूजीलैंड इज फॉर वेस्टर्न पैसिफिक एंड द कैनेडा पोलर रीजन फॉर रशिया, पोलर रीजन ऑफ रशिया किसके पास है, कैनेडा के पास है। तो ये लोग इनका जगह बटा हुआ है, आप इधर ध्यान दोगे, आप इधर ध्यान दोगे, आप इधर ध्यान दोगे, ये लोग अपने अपने जगह पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे काम करते हैं। द गोल पोस्ट ऑफ क्या है, पहले तो इन लोगों का आपका कोल्ड वॉर था, सोवियत यूनियन था, अब उसके बाद खत्म होने के बाद टेररिज्म एंड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना हो गया, अब इन लोग का गोल पोस्ट ही हो गया। ये सारा डेटा ये लोग यूज करते हैं, इतने सारे मेथड्स यूज करते हैं। इनका जो डेटा बेस है, जो मोस्ट सीक्रेट कलेक्टिव डेटा है, वो क्या है, स्टोन घोस्ट, ठीक है, स्टोन घोस्ट ये इनका सीक्रेट डेटा बेस है, जो ये लोग आपस में 5 लोग ही शेयर करते हैं। अब आप देखिए इनको क्या बोला गया इन लोगों को, दीज आर दी सुपरा नेचुरल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट डजंट आंसर टू द लॉ ऑफ इट्स ओन कंट्री। तो इन लोगों के लिए थोड़ा कंसर्न भी जताया गया है कि ये लोग अपने कंट्री के लॉ को भी आंसर नहीं करते, थोड़ा सुपरा नेचुरल नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो 5i अलायंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में, और एग्जाम तो छोड़िए आपको ये पता होना चाहिए 5i अलायंस क्या है। तो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।